नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, ध्यान में मन नहीं लगता तो क्या करें, कैसे साधें अपने मन को। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। और मैंने कहा था हम साक्षी भाव के बारे में चर्चा करेंगे, तो साक्षी भाव से भी पहले दृष्टा भाव को समझते हैं, क्योंकि दृष्टा भाव को साधते साधते साक्षी भाव अपने आप घटित हो जाता है। दृष्टा और साक्षी भाव में क्या अंतर है ये भी बात करेंगे। तो दृश्य से शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो आपके लिए वह एक दृश्य रहेगा और आप दर्शक होंगे, अर्थात दृश्य और दर्शक। पर जब हम पर्दे पर कोई भी दृश्य देखते हैं तो उसी के अनुरूप हमारे भाव हो जाते हैं और मन में हलचल रहती है, उस हलचल को देखा कि नहीं देखा जागृत होकर के। दूसरे शब्दों में समझते हैं, जो बाहर का जगत है वह एक दृश्य है और दर्शक स्वयं भी बाहर के जगत में ही खड़ा है। अब जरा अपने भीतर चलते हैं, यानी कि अंतर जगत की ओर, इनर वर्ल्ड में अपनी चेतना की तरफ, अपने मन की तरफ देखें कि क्या चल रहा है। जो विचार पैदा हो रहे हैं, जो भाव पैदा हो रहे हैं, जो उत्तेजनाएं हैं, उनको देखा कि नहीं कभी। एक उदाहरण लेते हैं, एक सुंदर स्त्री या पुरुष आपके सामने से गुजरा, आपने वह दृश्य देखा कि नहीं देखा ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस दृश्य को देख के आपके मन में क्या भाव उठे, क्या विचार चले, वो महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति रूप में देखकर आगे बढ़ गए, या फिर कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया, इसी तरीके के कुछ विचार उठने लगे। अंतर जगत शांत रहा या शोर शराबा शुरू हो गया। अतिरेक उत्तेजना की अवस्था को देखा कि नहीं देखा, यदि देखा तो तुम दृष्टा हुए, अपने मन में चल रही उथल पुथल को देखा, या जो तुम अशांत हो गए, जो विचार आने लगे उन पे नज़र रखी तो तुम दृष्टा हुए। अब ये दृष्टा तुम्हारे निराकार में है, अंतर आकाश में है, जहाँ वो चैतन्य है। आत्मा के तल पर जाके ही देखा जा सकता है कि मेरे अंतर जगत में क्या हो रहा है। जैसे श्वास चल रही है, विचार चल रहे हैं, उत्तेजना है, अशांति है, राग है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पैदा हो रहे हैं, ये सारे कंप या फिर अनुभूतियां अंतर जगत की हैं और उसे जो देख सके वो दृष्टा है। जब तक तुम अपनी अंतर जगत की हर एक अनुभूति को देख रहे हो पर बिना निराकार का स्मरण करते हुए, तब तक तुम दृष्टा हो। लेकिन अंतर जगत में उत्पन्न होने वाले भावों को स्मरण रखना शुरू कर दिया, आत्मस्मरण रखना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, तो तुम साक्षी हो गए। फिर से समझते हैं, एक दृश्य है और दर्शक है। दृश्य को देखकर दर्शक के भीतर जो भाव पैदा हो रहा है उसको देखा तो वह दृष्टा हुआ, लेकिन दृष्टा होते हुए आत्मस्मरण नहीं है। जब तक ये नहीं जान जाते कि मैं निराकार हूँ, दृष्टा हो, लेकिन दृष्टा के भीतर भी जब तुम ये जान जाते हो कि आत्मा ही दृष्टा है और आत्मस्मरण भी बना हुआ है, तो तुम साक्षी हो जाते हो। ये बताने की और समझने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अध्यात्म एक विज्ञान की भांति ही कार्य करता है, और जब तक हम अपने विचारों क्रियाकलापों के प्रति दृष्टा भाव नहीं रखेंगे, तब तक मन मस्तिष्क में उठने वाले विचार हमको ध्यान नहीं करने देंगे। 60,000 से अधिक विचार प्रतिदिन उठते हैं हमारे मस्तिष्क में। जितना दमन करने का प्रयास करोगे उतना अधिक विचार उठेंगे, इसीलिए विचारों का दमन करना कोई समाधान नहीं है। समाधान दृष्टा बन जाने में है और साक्षी प्रसाद स्वरूप अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये बात थी दृष्टा क्या था, साक्षी क्या था, दोनों में क्या अंतर था। इन सब बातों में आत्मस्मरण जिस दिन हो गया, तब चलते फिरते काम करते हुए भी आप ध्यान में रह सकते हैं। तो बैठिए अपने आप के साथ, कुछ पल देखिए, अपने विचारों को चलने दीजिए। जैसे ही आप पाएंगे कि कैसा विचार मेरे मन में आया, तो वह विचार जाता रहेगा और धीरे धीरे आप विचार शून्यता की तरफ बढ़ चलेंगे।
इस विषय पर और बात करेंगे, पर आज इतना ही। अगले वीडियो में कर्ता भाव क्या है और उससे मुक्ति हमको मानव से महामानव कैसे बना सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।